हेलो गाइस, वेलकम टू योर नेक्स्ट क्लास। हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड स्टे सेफ एंड स्टे होम। दिस इज़ योर नेक्स्ट वीडियो ऑफ एम एस एक्सेल, विच इज़ द सेकंड यूनिट ऑफ योर सिलेबस। एंड फर्स्ट वीडियो आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड, ये सेकंड यूनिट है आप लोगों की। एंड सेकंड यूनिट में एक जो लेक्चर था वो मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया है कल, जिसमें क्या था हमारा कि इंट्रोडक्शन टू एम एस एक्सेल, स्प्रेडशीट क्या होता है, स्प्रेडशीट में वर्क करने के लिए हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, दैट इज़ एम एस एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, मतलब मैक के लिए अलग होता है, विंडोज़ के लिए अलग होता है। ठीक है, हम मतलब मैक में भी एम एस एक्सेल को यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, बट एम एस एक्सेल इज़ मतलब मोस्ट सर्कुलेटिंग स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो इसलिए हम एम एस वर्ड ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो एम एस एक्सेल, तो एम एस एक्सेल में कल इंट्रोडक्शन हो गया था, आज सेकंड वीडियो वो है हमारी फॉर्मेटिंग टूल। ठीक है, कि एम एस एक्सेल में जो भी हम वर्क करते हैं उसको फॉर्मेटिंग हम किस तरह से देते हैं। तो सबसे पहले हमारे फॉर्मेटिंग टूल में हमारे पास आता है क्या, फॉर्मेटिंग टूल में सबसे पहले हमारे पास आता है नंबर फॉर्मेटिंग, कि अगर हमें नंबर को फॉर्मेट करना हो। ठीक है, नंबर फॉर्मेटिंग में हमारा क्या होता है कि इसमें हम ऐड कर सकते हैं कोई भी परसेंटेज सिंबल हो गया, या फिर कोमा हो गया, डेसिमल प्लेस हो गया। ठीक है, डेसिमल प्लेस किस तरह से, कि जैसे हमने अपनी परसेंटेज कैलकुलेट की, वो आगे 67.00 करके। ठीक है, फिर हमें लगा कि नहीं, हमें मतलब एक पॉइंट लेफ्ट जाना है, एक पॉइंट राइट जाना है, तो वो हम किसका यूज़ करके कर सकते हैं, डेसिमल प्लेस का। ठीक है, करेंसी साइन हम ऐड कर सकते हैं, करेंसी साइन हमारे कौन से होता है, डॉलर हो गया, रेट हो गया। ठीक है, जो रुपीज़ होता है हमारा, इंडियन रुपीज़। ठीक है, एंड जो हमारा युआन वगैरह जो भी करेंसीज हैं उनको हम ऐड कर सकते हैं। तो ये किस में आता है हमारा, नंबर फॉर्मेटिंग में। उसके बाद सबसे पहले करेंसी, करेंसी का यूज़ हम किस तरह से कर सकते हैं, इफ़ यू वांट ए फाइनेंशियल वैल्यू कंप्लीट विद अ डॉलर करेंसी साइन एंड टू डेसिमल प्लेस। तो अगर मान लो हमें कोई भी क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए जिसमें क्या हो, डॉलर की करेंसी हो, और कितने डेसिमल प्लेस पे चाहिए, टू डेसिमल प्लेस पे, तो क्या करेंगे हम, वैल्यू ऐड करेंगे, सिंपली वैल्यू एंटर करेंगे अपनी सेल में। ठीक है, और करेंसी का जो भी अपना फॉर्मेट है वो अप्लाई कर देंगे। थर्ड है हमारा परसेंटेज, कि परसेंटेज किस तरह से शो होगा, कि जो भी हमने डेटा डाला उसके साथ हमें परसेंटेज यूज़ करना है। फिर आता है हमारा डेट, कि डेट हमने एंटर करनी है, जैसे यहाँ पे ये देखो, ये फॉर्मेट पूरा दिखाया हुआ है इसमें यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जैसे हमने ये यहाँ परसेंटेज निकाली टोटल। ठीक है, तो यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल हमने यूज़ किया, डेट हमने यहाँ पे ऐड की, तो यहाँ पे हमने सेल पे क्लिक करके और फिर डेट का जो सिंबल है उस पर क्लिक किया, डेट का जो हमें आइकन दिखाई दे रहा ग्रुप में उसके ऊपर क्लिक किया। ठीक है, जैसे यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एक सेकेंड, एग्जाम्पल अगर हम देखें तो देखो यहाँ पे जो हमें टेबल शो है, ये वाली टेबल जो यहाँ पे शो है, देखो इसमें हमारा क्या है, सिंपली जो डेटा है वो एंटर किया हुआ है। ठीक है, कुछ भी लगा लो, ये सेल फॉर होम अप्लाइंसेज ईयर दिस ईयर में, कुछ भी होम अप्लाइंसेज की जो सेल है उसके बारे में यहाँ पे डेटा डाला हुआ है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट पर्सनस हैं यहाँ पे। मैंने कल आपको बताया था कि क्या नाम है, हम किस तरह से एड्रेस करते हैं किसी भी सेल को। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ B4 से, क्या लिख दो अगर मैं B4 to B7, तो उसका मतलब आप समझ रहे हो, B4 to B7 कौन सा डेटा हमारा सेलेक्ट होगा, B4 to B7 ये वाला डेटा। ये क्या है हमारा B4, ये 40 जहाँ पे लिखा है ये क्या है B4, और ये 40 जहाँ पे लिखा है वो B4 है, 44 जहाँ पे लिखा है वो B7 है। तो ये वाला डेटा अगर हम सेलेक्ट करते हैं 4 से लेके 7 तक, तो ये हमारा क्या हो गया, B4 से B7 हमने कंप्लीट सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो अगर हमें इसके आगे अब करेंसी ऐड करनी है, कि ये हमारा किस करेंसी में है, क्या पता डॉलर में है, रुपीज़ में है, किस में है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली फॉर्मेट करना पड़ेगा अपनी सेल को। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैटेगरी सेलेक्ट करनी पड़ेगी, और वहाँ से फिर हमें करेंसी सेलेक्ट करके और रुपीज़ जो करेंसी है वो हमें ओके कर देना है। ठीक है, तो ओके करने के बाद जो हमारी जो टेबल है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगी। ठीक है, मतलब जो भी हमारा डेटा था, जो भी हमने सेलेक्ट किया था, हमने अगर ये वाली सेलेक्ट की तो इसके आगे आ जाएगा। अगर हमने पूरी सारी एक टेबल है उसको सेलेक्ट करके उसके ऊपर करेंसी अप्लाई की है, तो जितनी वैल्यू है सबके आगे हमारा करेंसी आ जाएगा। नेक्स्ट है वो परसेंटेज का, देखिए किस तरह से वर्क करता है। ये लगा लो कि यहाँ पे जो परसेंटेज है हमारी, वहाँ पे कितने डेसिमल पे है, 1 डेसिमल पॉइंट तक है। ठीक है, 0.1 पॉइंट 1 पॉइंट, तो सारे क्या है, ये 1 डेसिमल वैल्यू तक है। अगर हमें इन्हें 2 डेसिमल वैल्यू करना है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम सिंपली जाएंगे परसेंटेज में। ठीक है, परसेंटेज में जाके हमने क्या करना है, कुछ भी नहीं, बस 2 प्लेस तक करा देना है उसको। ठीक है, 2 प्लेस सेलेक्ट करेंगे हम, तो हमारी जो परसेंटेज वैल्यू है वो इस तरह से शो होने लगेगी। ठीक है, 2 डेसिमल प्लेस तक। ठीक है, तो ये वर्क होता है किसका, करेंसी वगैरह या फिर जो भी परसेंटेज वगैरह हम सेलेक्ट करते हैं, वो इस तरह से हमारे जो डेटा है उसमें चेंजेस ला सकती है। उसके बाद स्पेशल फॉर्मेट कैटेगरी भी हमारे पास होती है, कि जितनी भी कैटेगरीज हमें अवेलेबल कराई हुई है एम एस एक्सेल ने। ठीक है, नंबर है, करेंसी है, डेट है, टाइम है, परसेंटेज है। ठीक है, उसके अलावा भी हम और स्पेशल कैटेगरीज भी अपनी चॉइस से ऐड कर सकते हैं। उसमें हम जैसे कुछ भी ऐड कर सकते हैं, जैसे अपना कोड है, फ़ोन नंबर है। ठीक है, कुछ भी, मतलब जो भी हम ऐड करना चाहें। ओके, नेक्स्ट जो हमारा होता है वो है, फॉर्मेटिंग में आता है चेंजिंग सेल कलर।
कोई भी सेल है, जैसे हमने पढ़ा था एमएस वर्ड में, ठीक है, कि किस तरह से हम कलर चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट का या फिर बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, उसी तरह से जो हमारा एमएस एक्सेल है उसमें सबको पता है कि जो वर्क होता है हमारा वो किसके ऊपर होता है, शीट के ऊपर, और शीट में हमारे क्या बने होते हैं, सेल, ठीक है। तो सेल है ये, सेल हम किस तरह भी, मान लो हमने सिंगल सेल ले लिया, फिर सेल को मर्ज करा दिया, सेल को मर्ज कराने के लिए भी हमारे पास ऑप्शन होता है, नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी। अभी आप ये समझो कि कलर है वो सेल का किस तरह से चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर है या जो भी कलर है वो हम किस तरह से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। उसके लिए मैं यहीं पे आपको एक ऑप्शन बताती हूँ, ये है वो हमारा होता है जनरली, जनरली जब हम मतलब आउटसाइड द कोई भी हम टेबल बना रहे, जैसे ये हम अभी किस पे वर्क कर रहे हैं, टेबल पे, ठीक है। तो जो टेबल पे वर्क करें कई बार उसको क्या करना होता है, हाईलाइट करना होता है, तो किसी एक पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम को जो हाईलाइट करना होता है वो हम सिंपली फॉर्मेटिंग में जाके कर सकते हैं। बट अगर हमारी टेबल इस तरह से बनी हुई है और हमें लगा लो कि इस टेबल के अंदर का कुछ एक डेटा हमने क्या करना है, हाईलाइट कराना है, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ भी ऑप्शन होता है, जहाँ से हम ये सिलेक्ट करते हैं ना, एक सेकेंड, जहाँ से हम ये फॉर्मेटिंग टूल सेलेक्ट करते हैं, किस में जाके, नंबर में जाके, वहीं पे जाके हमारे पास ऑप्शन आते हैं। देखो यहाँ पे नंबर है, यहाँ पे अलाइनमेंट का ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल है, नंबर का ऑप्शन है, अलाइनमेंट का ऑप्शन है, फॉन्ट का ऑप्शन है, बॉर्डर का ऑप्शन है, फिल का ऑप्शन है और प्रोटेक्शन का ऑप्शन है। तो फिल का जो ऑप्शन है वहाँ से हम किसी भी सेल का जो बैकग्राउंड कलर है वो हम चेंज कर सकते हैं। फॉर्मेट सेल में क्या करेंगे, फिल, यहाँ से देखो फिल हम सेलेक्ट करेंगे, कोई भी कलर अपना, कोई भी पैटर्न अपना स्टार्ट सेलेक्ट करेंगे और जो डेटा हमने सेलेक्ट किया है उस पे वो वाला कलर अपीयर हो जाएगा। यहाँ पे देखो जैसे हमने ये वाला कलर सेलेक्ट किया, जितनी भी सेल हमने सेलेक्ट की थी उनके ऊपर ये वाला डेटा हमारा अपीयर होके हाईलाइट होके आ गया, ठीक है। उसके बाद देखो ये जो नंबर वाला मैंने बताया ना कि होम टैब पे जो हमारा नंबर वाला जो ग्रुप होता है वो कुछ इस तरह से अपीयर होता है, ये ग्रुप है हमारा नंबर का, जस्ट अ सेकंड, ये इस तरह से अपीयर होता है हमारा, ये देखो, ठीक है। तो इसमें जब जनरल पे हम जब क्लिक करते हैं, यहाँ पे जनरल पे जैसे ही हमने क्लिक किया यहाँ, तो हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं, क्या जैसे नंबर, करेंसी, ठीक है, शो डेट, लॉन्ग डेट, टाइम, परसेंटेज, ठीक है, और उसके बाद मोर नंबर फॉर्मेट हम इसी से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये डॉलर का ऑप्शन है, परसेंटेज का ऑप्शन है, कोलन का ऑप्शन है, ठीक है, ये सारे हम अप्लाई कर सकते हैं अपने टेक्स्ट के साथ। उसके बाद ये वाला दिया हुआ, ये किस लिए है, मैंने क्या बताया था कि जब हम अपने डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट या राइट मूव कराते हैं, मैंने देखा पीछे आपको बताया था ना कि 1.02 है, हमने देखा कि नहीं हमने तो ये गलत एंटर कर दिया, तो हम क्या करेंगे, सिंपली सेल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से एक डेसिमल पॉइंट राइट की तरफ कर देंगे तो 10.2 ये हमारा सही फॉर्मेट में आ जाएगा। तो ये जो हमारा जो आइकन बना होता है किसके लिए होता है, ये होता है कि डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट और राइट मूव कराने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा फॉर्मेटिंग में, ये यहाँ पे डिफरेंट हमारे पास ऑप्शन आता है। नेक्स्ट जो है वो है कि एडिंग टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में हमारा क्या हो, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग सिंपली हमारी कि हम टेक्स्ट, जो हमने टेक्स्ट लिखा है जैसे एमएस वर्ड में लिखते थे कि जिस तरह से जो टेक्स्ट लिखा है उसको कैसे फॉर्मेट करेंगे। सबसे पहले फॉर्मेटिंग वर्ड से याद रखना, फॉर्मेटिंग का मतलब हमारा होता है कि जो भी हमने उसका स्टाइल, जो टेक्स्ट का स्टाइल है वो हमने कौन सा सिलेक्ट किया। जैसे हमारे पास फॉन्ट में जो होता है वो डिफरेंट ऑप्शन होते हैं स्टाइल में, जो थीम फॉन्ट होते हैं उनमें हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन होते हैं, जैसे कैलिब्री जो आता है बाय डिफॉल्ट, एरियल ब्लैक आता है, ठीक है, काफ़ी सारे होते हैं, एरियल करके आता है, ठीक है। तो ये काफ़ी सारे हमारे पास फॉर्मेट होते हैं किसके लिए, थीम फॉन्ट, मतलब जो भी टेक्स्ट हम लिख रहे हैं वो किस स्टाइल में हमारा लिखा जाएगा। उसके बाद हमारा फॉन्ट का साइज होता है, ठीक है, यहाँ पे देखो ये यहाँ पे हमारा क्या है, फॉन्ट का स्टाइल, ये यहाँ पे हमारा फॉन्ट का साइज, यहाँ से हम फॉन्ट इंक्रीज कर सकते हैं, यहाँ से फॉन्ट डिक्रीज कर सकते हैं साइज को, ठीक है। ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन सबको पता है, यहाँ से बॉर्डर जो भी हमने टेक्स्ट लिखा है उसका बॉर्डर अपीयर हो सकता है, यहाँ से जो टेक्स्ट को कलर दे सकते हैं और यहाँ से हम टेक्स्ट को बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन हमारे एमएस एक्सेल में भी हैं और ये किस तरह से वर्क करेंगे, जिस तरह से हमारा एमएस वर्ड में वर्क करते थे, ठीक है। तो अलाइनमेंट हो गया सेल का, चेंज हो गया कलर, फॉन्ट कलर को चेंज करना हो गया, सेल को मर्ज करना हो गया। उसके बाद दूसरा ये इधर आता है अलाइनमेंट, यहाँ पे देखो अलाइनमेंट दिख रहा है सबको, ये यहाँ पे अलाइनमेंट में वही लेफ्ट लाइन, राइट लाइन, ठीक है। ये यहाँ पे जैसे टॉप पे रखना है टेक्स्ट को, सेंटर में रखना है या फिर डाउनवर्ड रखना है, मतलब बॉटम साइड में रखना है, या फिर टेक्स्ट को लेफ्ट रखना है हमने, क्योंकि हम सेल में डेटा टाइप कर रहे हैं, ठीक है। तो लेफ्ट लाइन, सेंटर लाइन, राइट लाइन, इनका तो कोई मतलब होता नहीं है। एमएस एक्सेल में जो हमारा यूज़ होता है वो होता है कि हमें जो हमारी जो सेल बनी है उसमें जो हमारा डेटा है वो यहाँ पे टाइप होगा। मैंने जैसे 12 नंबर लिखा वो यहाँ पे टाइप होना चाहिए, या यहाँ बीच में टाइप होना चाहिए, या यहाँ टॉप में हमारा टाइप होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे मैंने लगा लो कि अपना डाटा जो है वो बॉटम में टाइप कर दिया, अब बॉटम के बाद हमारा ऑप्शन आता है कि वो लेफ्ट में होना चाहिए, यहाँ पे लिखूँ मैं उसको, या फिर यहाँ मिडल में लिखूँ बॉटम में भी, ठीक है, या फिर उसको राइट में लिखूँ, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो अलाइनमेंट है वो वर्क करता है किसमें, एमएस एक्सेल में। ये हो गया हमारा फॉर्मेटिंग कि किस तरह से हम फॉर्मेट कर सकते हैं किसको, टेक्स्ट को। उसके बाद आता है कि हमारा चेंजिंग द फॉन्ट और फॉन्ट साइज इन वर्कशीट, वही फॉन्ट किस तरह से चेंज कर सकते हैं, सिंपली एमएस वर्ड की तरह ही है। बॉर्डर, सेल का बॉर्डर है वो भी हम किस तरह से, यहाँ बॉर्डर में ये वाला जो ऑप्शन रहा
यहाँ पे बॉर्डर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे ही हमने बॉर्डर पे क्लिक किया तो हमारे पास ऑप्शंस आ जाएंगे, टॉप बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर है या टॉप बॉर्डर है या फिर लेफ्ट राइट, ठीक है, या फिर ऑल बॉर्डर हो गया, ठीक है। इस तरह से हमारे पास ढेर ऑप्शन आ जाएंगे, तो हम सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी सेल के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, क्रिएट ए कस्टम सेल बॉर्डर, ठीक है। मैं ये PDF आपको प्रोवाइड करवा दूंगी कल जो आपकी क्लास है इसके साथ ही, क्लास नंबर 2 के नाम से, ठीक है। उसके साथ ही मैं आपको ये PDF आपको प्रोवाइड करवा दूंगी ताकि आप अपने नोट्स बना सकें, क्योंकि एग्जाम में आपको लिखना ही है। प्रैक्टिकल चीज़ आपको अगर क्लियर होगी तो ही लिख पाओगे। अगर आपसे यहाँ कोई पूछ ले कि टेक्स्ट को हम फॉर्मेट किस तरह कर सकते हैं, व्हाट इज़ MS Excel एंड हाउ वी फॉर्मेट द टेक्स्ट इन MS Excel, तो क्या लिखोगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, MS Excel क्या है, हमारा एक सॉफ्टवेयर है जो किसके लिए वर्क करता है, स्प्रेडशीट के लिए। मतलब जब हमें स्प्रेडशीट बनानी हो तो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, MS Excel, ठीक है। तो MS Excel एनेबल अस टू क्रिएट और टू वर्क विद स्प्रेडशीट, ठीक है। तो स्प्रेडशीट, उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर्मेटिंग, हाउ वी डू फॉर्मेटिंग इन MS Excel। तो फॉर्मेटिंग में हम बताएंगे कि वी हैव होम टैब, कि होम टैब होती है, उसमें पास हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन होते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे कि हम टेक्स्ट को किस तरह से फॉर्मेट कर सकते हैं, फॉन्ट को किस तरह से फॉर्मेट कर सकते हैं, अलाइनमेंट किस तरह से होता है फॉन्ट का किसी भी सेल में, ठीक है। उसके बाद हम बताएंगे कि हम अपने मतलब बैकग्राउंड को किस तरह से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, किस तरह से कलर फिल कर सकते हैं, ये सारे ऑप्शन हमें बताने पड़ेंगे किसमें, फॉर्मेटिंग में। उसके बाद जो नेक्स्ट आता हुआ है, क्रिएट ए कस्टम सेल बॉर्डर, ये भी हमारा किस में आता है, फॉर्मेटिंग में आता है, ठीक है। फॉर्मेटिंग में ये हमारा होता है किस में, स्टाइल में। स्टाइल में ये है, वी कैन क्रिएट ए सेल स्टाइल दैट इंक्लूड ए कस्टम बॉर्डर दैट वी कैन अप्लाई टू दैट सेल स्टाइल व्हेन वी वांट टू डिस्प्ले द कस्टम बॉर्डर अराउंड द सिलेक्टेड सेल, ठीक है। तो इसमें हम अपने, देखो यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट एज टेबल और सेल स्टाइल। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे यहाँ पे देखो हमारे पास डाउनवर्ड एरो का सिंबल है, ठीक है, डाउनवर्ड एरो का सिंबल है, तो मतलब वी हैव मोर ऑप्शंस टू वर्क विद, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे हम इसको ओपन करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग को, तो हमारे पास ऑप्शंस आ जाएंगे कि हाईलाइट सेल रूल, की जो सेल रूल है उसको हाईलाइट करना, टॉप बॉटम रूल, डेटा बार, कलर स्केल्स, ठीक है, ये सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगे। हाईलाइट सेल रूल में हमारा क्या होता है कि हम उसमें मतलब जो भी हमने सेल में डेटा फिल किया हुआ है, ठीक है, ये देखो यहाँ पे आ गया कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या है, एक सेकंड, सेल स्टाइल में जब हम सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन क्या है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमारे पास क्या है, जैसे ही हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऊपर क्लिक किया, ये इधर देखो पिक्चर में, जैसे ही हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक किया हमारे पास ये ऑप्शन आ गए, हाईलाइटिंग सेल रूल, टॉप बॉटम रूल, डेटा बार, जो भी मैंने अभी बताया था, ठीक है। जैसे ही हाईलाइटिंग सेल रूल के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये ढेर ऑप्शन आ गए, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, ये किसके ऊपर अप्लाई होंगे, जैसे हमारी सेल में जो डेटा हमने फिल किया हुआ है, ठीक है, नंबर वाला डेटा होना चाहिए, ठीक है। तो हाईलाइट सेल रूल मतलब उन सेल को हमने हाईलाइट करना है जिनकी वैल्यू ग्रेटर देन 60। अगर हम यहाँ पे ग्रेटर देन वैल्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक और ऑप्शन ओपन होकर आएगा कि वो मांगेगा कि कितने से ज़्यादा वैल्यू की सेल आपको चाहिए, ठीक है। तो मतलब हम बोलेंगे कि हमें फॉर्मेट सेल दैट आर ग्रेटर देन, तो हमने जैसे 60 लिख दिया, तो 60 से नीचे की जो वैल्यू है हमारे पास मतलब अनटच रहेंगी, और जो 60 से ऊपर की वैल्यू है उनको हम क्या कर सकेंगे, एडिट कर सकेंगे, क्लियर है, ठीक है। तो ये मतलब एक तरह से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, एक एक सेल सेलेक्ट ना करके हमने जैसे डेटा फिल कर दिया 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, और उसके बाद हम चाहते हैं कि जो 60 से ऊपर की जो सेल है उनके ऊपर हम हमारे जो भी फॉर्मेटिंग है, हम टेक्स्ट अप्लाई कर रहे हैं, कलर अप्लाई कर रहे हैं, वो सारे चेंजेस अप्लाई हो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपना ये वाला ऑप्शन ग्रेटर देन, कि ग्रेटर देन हम, उसके बाद हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, डायलॉग बॉक्स समझ रहे हो, एक मैसेज अपीयर होता है जिसमें हमें वैल्यू मांगी जाती है, येस नो मांगा जाता है, ओके या फिर क्लियर या फिर कट पेस्ट कुछ भी मांग लेते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा ग्रेटर देन, मान लो हमने वहाँ 60 क्लिक कर दिया, तो 60, 70, 80, 90, 100, और ये 5 सेल हमारे पास आएंगी जिनके ऊपर हमारी जो फॉर्मेटिंग है वो अप्लाई होगी। इस तरह से लेस देन वैल्यू भी ले सकते हैं, बिटवीन भी, की इसके बीच में हमारी जो वैल्यू होगी उनके ऊपर हमारी फॉर्मेटिंग अप्लाई होनी चाहिए, ठीक है। होप यू गाइस गेट अंडरस्टैंड कि किस तरह से ये वर्क करेगा। उसके बाद ये सारी चीज़ें हमारी किस में है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग नाम से ही क्लियर है कि जब हम कंडीशन अप्लाई कर देते हैं, कंडीशन अप्लाई करके हम फॉर्मेटिंग करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है आपने, भूलना नहीं है। दूसरा है हमारा, नेक्स्ट आता है, एक सेकेंड, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आता है किसमें, फॉर्मेटिंग में, वो हमारा आता है मर्जिंग ए रेंज ऑफ सेल, कि सेल को मर्ज करना। जैसे मैंने बताया था कि फॉन्ट में हमारा क्या होता है, सिंपली कि हमने कोई भी सेल सेलेक्ट किया, उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हमने जो फॉन्ट स्टाइल है वो हमने अप्लाई कर दिए, टेक्स्ट, कलर, जो भी अप्लाई करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट ग्रुप आता है वो आता है अलाइनमेंट का। अलाइनमेंट मैंने आपको अभी बताया कि लेफ्ट लाइन, सेंटर लाइन, राइट लाइन, या फिर टॉप लाइन, बॉटम लाइन, ठीक है, या फिर मतलब
मिडल, ठीक है, ये सारे ऑप्शन हमारे होते हैं एमएस एक्सेल में। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन होता है मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर हमारा क्या होता है, जो भी हमारी सेल है, एक से ज़्यादा सेल अगर हमने मर्ज करनी हो तो सिंपली हम क्या करते हैं, जैसे हमने एक सेल पे सिलेक्ट किया, ठीक है, क्लिक किया, सेल के ऊपर अपना कर्सर रखा, उसको क्लिक किया, ठीक है, लेफ्ट बटन है माउस का उसको प्रेस किया, और प्लस का जो आइकन है, माउस का जो बटन है उसको, प्लस का आइकन जब अपीयर हो जाएगा तो हम अपनी जो रेंज है किसकी, सेल की, उसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं कि हमें 4 सेल सेलेक्ट करनी है या हमें 6 करनी है या हमें 3 सेल सेलेक्ट करनी है, तो जितनी हम सेलेक्ट करना चाहिए सेल उतनी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, जो मर्ज एंड सेंटर का हमारे पास ऑप्शन आता है, मर्ज एंड सेंटर, उसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। मर्ज एंड सेंटर किस में होता है, हमारा अलाइनमेंट टैब में होता है। मर्ज एंड सेंटर पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन आते हैं, मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन होगा, मर्ज अक्रॉस का ऑप्शन होगा, मर्ज सेल का ऑप्शन होगा, ठीक है, और अनमर्ज सेल का ऑप्शन होगा। तो मर्ज सेल के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो सेल है वो सारी क्या हो जाएंगी, मर्ज हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद सेल मर्ज होने के बाद दूसरा ऑप्शन क्या है कि हमें स्प्लिट करना है, कि हमने सोचा कि नहीं हमने तो गलती से मर्ज कर दिया, इन सेल को मर्ज नहीं करना था, तो सिंपली वहीं पे हम मर्ज इन सेल पे, मर्ज इन सेंटर पे क्लिक करेंगे और अनमर्ज सेल कर देंगे, तो वो अपनी पहले वाली पोजिशन में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये था सेल को मर्ज किस तरह से करते हैं। उसके बाद है फॉर्मेटिंग ए टेबल, कि टेबल को हम किस तरह से फॉर्मेट कर सकते हैं। तो स्टाइल में जहाँ पे हमारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग थी वहीं पे हमारा एक फॉर्मेट टेबल का ऑप्शन भी था लास्ट में, जहाँ पे मैंने आपको पिक्चर शो करवाई थी, यहाँ पे थी शायद ये वाली, देखो यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, ठीक है। यहाँ पे हमारी किस में है ऑप्शन, स्टाइल में, स्टाइल में हमारे पास यहाँ पे देखो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, यहाँ पे है फॉर्मेट एज टेबल और सेल स्टाइल। फॉर्मेट एज टेबल, फॉर्मेट एज टेबल में हमारा क्या आता है, यही जो अब नेक्स्ट टॉपिक टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, फॉर्मेटिंग ए टेबल, ठीक है, एक टेबल को किस तरह से हम फॉर्मेट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, इनबिल्ट ऑप्शंस होते हैं फॉर्मेटिंग ए टेबल पे। जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो लाइट फॉर्मेटिंग है या फिर मीडियम है या फिर डार्क फॉर्मेटिंग है, वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेटिंग हमारे पास आ जाएगी, जो भी हम सिलेक्ट करेंगे वो हमारी टेबल है वो उसी तरीके से उसी वे में शो हो जाएगी, कॉलम बन के आ जाएंगे, कॉलम 1, 2, 3, 4, 5 और रो बन के आ जाएगी, ठीक है। जैसे ही हमने अपना फॉर्मेट टेबल के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे जैसे ही हमने यहाँ पे फॉर्मेट टेबल पे क्लिक किया तो ये ऑप्शन हमारे पास ओपन होके आ गए सारे। उसके बाद ये लगा लो कि मैंने कोई भी एक ऑप्शन यहाँ से क्लिक कर लिया, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे कॉलम 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से हमारी जो टेबल है वो हमें अपीयर हो जाएगी, ठीक है। उसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, मैंने बताया ना कि हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं लाइट डार्क, हमने लाइट लेना है या फिर डार्क लेना है या फिर मीडियम लेना है, मतलब वो डिपेंड करता है कि हमें किस तरह की अपनी टेबल है वो चाहिए, ठीक है। टेबल का स्टाइल भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, हेडर रो सिलेक्ट कर सकते हैं, टोटल रो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, लास्ट कॉलम, कुछ भी, मतलब अपना जितना भी कस्टमाइज करना चाहें हम अपनी टेबल को वो इस ऑप्शन से कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है, थर्ड है हमारे यहाँ पे देखो सेल स्टाइल, ठीक है। सेल स्टाइल पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे ना तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे हमारे पास कई बार होता है ना कि जैसे आपने सोशल मीडिया यूज़ करते हो वहाँ पर कई बार पोल होता है, ठीक है, कि ये वाली पार्टी जीतेगी या ये वाली पार्टी हारेगी, ठीक है, उसके लिए पोल होता है, या फिर कोई भी एग्जाम हुआ है कि इतने लोगों ने इतने मार्क्स, इतने सॉरी क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, इतने लोगों ने इतने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, तो आप किसके ऊपर क्लिक करोगे। तो इस तरह का जो डेटा होता है वो उसी तरह से हमारा क्या होता है एमएस एक्सेल में, कि जैसे ही हम सेल स्टाइल पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएंगे कि गुड है, बैड है या फिर न्यूट्रल है, या फिर डेटा मॉडल अगर हमने बनाना हो तो जैसे कैलकुलेशन, आउटपुट, चेक द सेल इनपुट, ठीक है, इस तरह के ऑप्शन आ जाते हैं, या फिर टाइटल बनाना है या हेडिंग देनी है उसमें हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, ठीक है, या फिर जो भी थीम्ड होती है हमारी सेल स्टाइल की, 20% एसेंट है, 40% एसेंट देना है हमने, ठीक है, इस तरह से, या फिर कोमा है, करेंसी है, ये सब चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं इसमें सेल स्टाइल में, मतलब जो भी हमारी सेल हमने सेलेक्ट की है वो हमारी किस तरह से वर्क, मतलब किस तरह से दिखेंगी, उनका जो स्टाइल है वो किस तरह से होगा, तो ये हमारा आता है इसमें सेल स्टाइल में, ठीक है। तो ये सारे हमारे किसमें थे, फॉर्मेटिंग ऑफ वर्ड टेक्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन आते हैं वो है स्टाइल टेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट जो है वो हमारा है एडिंग हेडर एंड फुटर इन किसमें, एक्सेल स्प्रेडशीट में, कि जो एक्सेल स्प्रेडशीट में है उसमें हेडर फुटर हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं, वही हमारा किसकी तरह होगा एमएस वर्ड की तरह। कौन से टैब में जाएंगे हम, पेज लेआउट टैब में, ठीक है, वहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होते हैं मार्जिन के, ओरिएंटेशन के, साइज, प्रिंट एरिया, ब्रेक, बैकग्राउंड, ये सारे ऑप्शन जो भी हमारे एमएस वर्ड में थे कि किस तरह से हम मार्जिन सेट कर सकते हैं, ओरिएंटेशन ले सकते हैं, ठीक है, थीम किस तरह से दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी किसमें हैं एमएस एक्सेल में भी अवेलेबल हैं। यहाँ पे देखो हमारे पास मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, प्रिंट एरिया, ब्रेक, ठीक है, ये सारे ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं किसमें, एमएस एक्सेल में। अब हेडर और फुटर अगर हमें ऐड करना है तो क्या करेंगे हम, पेज लेआउट, पेज सेटअप
ग्रुप पे क्लिक करेंगे, एक सेकेंड, पेज सेटअप ग्रुप है यहाँ पे, ये सबको दिखाई दे रहा है यहाँ पे पेज सेटअप ग्रुप, इसके ऊपर हम सिंपली क्लिक कर। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो पेज सेटअप के यहाँ पे जो राइट मोस्ट कॉर्नर में आपको एक छोटा सा जो आइकन दिखाई दे रहा है, ये जो डाउनवर्ड एरो है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, डायलॉग बॉक्स पेज सेटअप का, ठीक है। जो पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स है, इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये इस तरह का एक विंडो ओपन होगा, ठीक है। इस तरह का विंडो जो ओपन होगा उसमें हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, पेज मार्जिन, ठीक है, और हेडर फुटर एंड सीट, ठीक है। तो जैसे ही हम पेज है हमारा किस व्यू में आएगा, पेज मतलब हमारा पोर्ट्रेट व्यू होगा या लैंडस्केप व्यू होगा, ठीक है, पेज में तो ये आएगा। मार्जिन में मार्जिन सेट करना कि लेफ्ट मार्जिन कितना है, टॉप कितना है, राइट कितना है, हमारे किसका, स्प्रेडशीट का, जो हमारी शीट है उसका मार्जिन कितना है, ठीक है, कि लेफ्ट से कितना मार्जिन हम रखें, राइट से कितना मार्जिन हम रखें, ताकि प्रिंट आउट निकालें तो साइड में जो बाउंड्री है वो अवेलेबल हो। हेडर फुटर हम ऐड करेंगे, तो हेडर फुटर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हेडर में अपना जो भी हमने नेम देना है अपने हेडर को वो डालेंगे, फुटर में जो डालना है पेज वन पेज टू वो डालेंगे, और सिंपली उस पर क्लिक करके अप्लाई कर देंगे, ठीक है, ओके कर देंगे तो वो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। शीट होता है, शीट में हमारी वही की प्रिंटेड एरिया कितना है, प्रिंट टाइटल क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आती हैं कि किस तरह की हमारी शीट है, ब्लैक एंड वाइट है, या फिर हमारे उसमें कॉलम कितने हैं, या फिर सेल में एरर है वो कितने टाइप की हैं, ठीक है, ये सारी हमारी क्या है शीट के अंदर ऑप्शन में आ जाता है, ठीक है। तो ये हम ऐड कर सकते हैं हेडर और फुटर किस पे, अपनी स्प्रेड शीट पे। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो हमारा आता है टू चेंज द हेडर एंड फुटर, क्लिक द हेडर फुटर, ये मैंने बता दिया आपको कि किस तरह से क्लिक करके हम क्या कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है फॉर्मेट प्रिंटर, फॉर्मेट प्रिंटर का ऑप्शन मैंने एमएसवर्ड में बहुत अच्छे से बताया था तुम्हें, ठीक है। फॉर्मेट प्रिंटर पे हम क्या करते हैं कि जो भी हमने एक सेल सेलेक्ट किया, जो भी हमने टेक्स्ट लिखा सेलेक्ट किया, कोई भी डेटा, उसके ऊपर जो जो हमने फॉर्मेटिंग की, कोई भी टेक्स्ट है वो चेंज किया उसका, या फिर उसका साइज चेंज किया, या फिर उसको बोल्ड में लिखा, इटैलिक में लिखा, ठीक है, वो सारी हमने फॉर्मेटिंग उसके ऊपर कर दी। अब वो फॉर्मेटिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, सिंपली उस टेक्स्ट को क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, एक तरह से कॉपी पेस्ट जैसा है, बट कॉपी पेस्ट में हम क्या करते हैं, सिंपली टेक्स्ट को कॉपी किया पेस्ट कर दिया, ठीक है, कट किया पेस्ट कर दिया। फॉर्मेट प्रिंटर में क्या है कि जो भी हमने मतलब एडिटिंग अप्लाई की है, जो भी हमने टेक्स्ट के ऊपर, जो भी हमने अपने डेटा के ऊपर जो भी एडिटिंग की है, उसको हम क्या करेंगे, फॉर्मेट प्रिंटर पे अपने मतलब एक तरह से सेव करके रख लेंगे। फॉर्मेट प्रिंटर का ऑप्शन हमने क्लिक किया, फॉर्मेट प्रिंटर का ऑप्शन क्लिक करके हम क्या करेंगे, जो भी डेटा हमने वहाँ से फॉर्मेट प्रिंटर का ऑप्शन क्लिक किया उसके ऊपर वो डेटा आ गया, उसके बाद हम नेक्स्ट सेल या नेक्स्ट जगह जहाँ पे भी हमें वो डेटा एज इट इज़ रखना है वहाँ पे क्लिक करेंगे, और हमारे पास जो ब्रश का ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक कर देंगे, जो फॉर्मेट प्रिंटर के लिए जो ब्रश यूज होती है एक तरह से पेंट वाली ब्रश, ठीक है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एज इट इज डेटा हमारा वहाँ पे आ जाएगा। तो ठीक है, ये है फॉर्मेट प्रिंटर का मीनिंग, ठीक है। जस्ट अ सेकंड, उसके बाद ये हमारा एक होता है टेक्स्ट का ऑप्शन, इंसर्ट में, इंसर्ट में टेक्स्ट का ऑप्शन जो होता है यहाँ पे, जो हमारी इंसर्ट टैब होती है उसमें टेक्स्ट का ऑप्शन होता है, वहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन होते हैं कि टेक्स्ट बॉक्स है कि वहाँ पे क्या टेक्स्ट हमने लिखना है, क्या टाइप करना है, ठीक है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स अपना ओपन होकर आ जाएगा, उसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं। हेडर फुटर में जब क्लिक करेंगे तो हमारे जो भी हमारी क्या है वर्कशीट है जिस पर हम वर्क कर रहे हैं उसका जो हेडर है वो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास वो है आपका नेक्स्ट जो आता है वो है वर्ड आर्ट, वर्ड आर्ट पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास वही कि किस डिज़ाइन में जो हमारा जो वर्ड है वो किस तरह से अपीयर होगा, ठीक है, ए है वो किस कलर में होगा, कैसी आउटलाइन होगी, ये सारी चीज़ें आती है वर्ड आर्ट में। आर्ट में सिग्नेचर लाइन होती है, सिग्नेचर लाइन में हम क्या करते हैं जो मतलब जो बैकग्राउंड व्यू है, ठीक है, कि हमारा जो मतलब एक तरह से कॉपीराइट लेना, ठीक है, ये सिग्नेचर लाइन में हम करते हैं। ऑब्जेक्ट में हम कोई भी ऑब्जेक्ट अपने पीसी से इंसर्ट करा सकते हैं, या फिर हम ऑनलाइन मतलब डाउनलोड करके इंसर्ट करा सकते हैं। उसके बाद सिंबल का जो ऑप्शन है, सिंबल के ऑप्शन में हमारे पास डिफरेंट टाइप के सिंबल आ जाते हैं, जैसे कि इमोजीज वगैरह हम यूज़ करते हैं अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट पर जब हम यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर जैसे डिफरेंट डिफरेंट इमोजीज होते हैं, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स होते हैं। सिंबल हमारे पास किसी भी टाइप के होते हैं, नॉर्मल टेक्स्ट भी हो सकता है, या फिर मतलब किसी भी टाइप के, किसी भी लैंग्वेज के अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, डॉलर करेंसी कुछ भी हो सकता है, तो डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्या फॉर्मेटिंग इन एमएस एक्सेल। कल मैं आप लोगों को एक चीज़ और कल की वीडियो में, नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें मैं आपको जो कराऊंगी वो कराऊंगी चार्ट एंड ग्राफिक्स का यूज़ हम किस तरह से करते हैं एमएस एक्सेल में, जो हमारी थर्ड क्लास होगी। उससे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हम एक छोटी सी वीडियो बना के कि एमएस वर्ड में मतलब जिनको बिल्कुल ही नहीं आता एमएस वर्ड, अगर उसे इंट्रोडक्शन में पूछ लिया जाए आप लोगों से, तो वैसे तो मैंने फर्स्ट वीडियो में बता दिया था, बट यहाँ पे मैं आप लोगों को सेल को इंसर्ट कराना, डिलीट कराना, सेल को फॉर्मेट करना, ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करना, ये सारी चीज़ें मैं कल वाली वीडियो में आपको बता दूंगी, ठीक है। तो ये थी हमारी फॉर्मेटिंग इन एमएस एक्सेल, ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, आपको
पूरा क्वेश्चन बनाना है कि व्हाट इज एमएस एक्सेल एंड हाउ वी कैन डू फॉर्मेटिंग इन एमएस एक्सेल, की जो एमएस एक्सेल में है वो फॉर्मेटिंग किस तरह से अप्लाई होती है। तो उसमें आपने यहाँ से इस पीडीएफ से और इस वीडियो से नोट्स बना के अपना क्वेश्चन रेडी कर लेना है, ठीक है। एमएस एक्सेल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ज़्यादा आने के चांसेज हैं, तो आप ध्यान से पढ़िए और अपने जो भी क्या है क्वेश्चन है वो प्रिपेयर करके अपना रखिए नोट्स बना के, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड स्टे सेफ एंड स्टे।